हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन 101। सो आज मैं यहाँ पर अपनी एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस जिसको बिग बॉस पसंद है तो उसको उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पसंद होंगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कंटेस्टेंट हैं अपने बिग बॉस 15 के, वो कौन कौन हैं। तो सबसे पहला, विदाउट टाइम वेस्ट किए चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन है। तो सबसे पहले नाम दिया गया है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती को सभी जानते हैं आप सब लोग, क्योंकि वो काफ़ी सुर्खियों में रही हैं। और उसके बाद जो चैनल के मेकर्स हैं उन्होंने काफ़ी उनको मोटी रकम भी दी है ताकि वो इसमें मतलब रहें। बट अभी पता नहीं है कि शी विल बी इन द शो और नॉट। ओके, तो हमारी सबसे पहली कंटेस्टेंट हैं अफसाना खान, जो कि तितलियां सॉन्ग में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। और ये एक पंजाबी सिंगर हैं। इन्हें एक पैनिक अटैक के कारण इनको पंजाब वापस जाना पड़ा था, बट अभी ये बिल्कुल ठीक हैं और ये घर में एंट्री लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इससे बाद है आकांक्षा। आकांक्षा, ये इन्होंने नागिन और खींच मेरी फ़ोटो जैसे सॉन्ग्स में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी हैं। और ये भी अब एक एक्ट्रेस हैं, तो ये बिल्कुल तैयार हैं बिग बॉस 13 में। ये हमारी दूसरी कंटेस्टेंट हैं। तीसरी हैं डोनल्ड बिस्ट। ये एक पत्रकार हैं और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, एक एक दीवाना था। और रूप एक जाना माना टीवी सीरियल है, अभी एक एक्ट्रेस हैं। वैसे इन्होंने पत्रकार के रूप में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। ओके, तो फोर्थ वन है ईशान सहगल। ईशान सहगल आप सभी जानते हैं कि जो बिग बॉस है वो लोग एक मॉडल तो ज़रूर लेके आते हैं। तो ये एक मॉडल है जिन्होंने, आपको अगर याद हो तो इन्होंने माहिरा के साथ एक बिग बॉस का प्रोमो किया था। ओके, तो अब इसके बाद है करण कुंद्रा। करण कुंद्रा को ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं क्योंकि MTV स्प्लिट्स विला और काफ़ी जगहों पर उन पर देखा गया। और हाल ही में अनुपमा जो सीरियल है उसमें भी इनको मतलब इन्होंने इसमें काम किया है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज निशान भट्ट। निशान भट्ट इज़ अ कोरियोग्राफर एंड हाँ, और ये भी इसमें पार्ट ले रहे हैं। द नेक्स्ट वन है मीशा अय्यर। मीशा अय्यर ने अपना शुरुआती टीवी MTV के सीरियल स्प्लिट्स विला से की थी और इन्होंने काफ़ी वहाँ पर सुर्खियाँ बटोरी और बहुत ही लोग जानते हैं उनको, आई होप आप जानते होंगे। और ये भी बिग बॉस 15 में एंट्री लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और द नेक्स्ट वन इज़ प्रतीक सहजल। ये आप शायद आप जानते हो, इसमें इन्होंने MTV स्प्लिट्स विला में भी इन्होंने वर्क किया है। और फिर उसके बाद अभी ये जो बिग बॉस OTT अभी गया है इसमें काफ़ी लोगों ने उन्हें पसंद किया है, उनका काम बहुत अच्छा रहा है। तो प्रतीक सहजल भी बिग बॉस 15 में आपको दिखेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ साहिर श्रॉफ। साहिर श्रॉफ जिन्होंने डॉन 2 में प्रियंका और SRK के साथ काम किया है, ये डॉन 2 में दिखाई दिए हैं। तो ये भी तैयार हैं बिग बॉस 15 में आने के लिए। और हेयर इज़ अनदर वन जिन्हें सब जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है जिनके घर में, वो सबसे ज़्यादा ये है कि शमिता शेट्टी OTT में इनको मतलब देखा गया है। और इनको इन्होंने ये शिल्पा शेट्टी की सिस्टर हैं, सभी जानते हैं इस चीज़ को। और बिग बॉस OTT में भी इन्होंने काम किया है, जिसमें रूपेश बाबर करके एक बंदे के साथ इनका नाम जोड़ा गया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ सिंघा नागपाल, जो कि शक्ति अस्तित्व के एहसास की इसमें एक इन्होंने रोल किया है विराट का, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी हैं, सब जानते हैं इन्हें। तो ये भी बिग बॉस 15 में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और द नेक्स्ट वन इज़ तेजस्विनी, आई थिंक सभी जानते हैं इसको। इसने जो सीरियल है स्वरागिनी और खतरों के खिलाड़ी 10 सीजन 10 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये भी बिग बॉस 15 में आपको दिखेंगे। एंड द अनदर वन इज़ उमर रियाज, आप जानते होंगे आसिम रियाज के बड़े भाई हैं, जो कि जम्मू से हैं और ये पेशे से डॉक्टर हैं। और अपने भाई की जो
कामयाबी और इतना सक्सेसफुल देख के ये भी अब बिग बॉस 15 में आपको देखने के लिए मिलेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ निधि पांड्या। निधि पांड्या जो कि एक गुजरात की हैं, जिन्होंने अपना जो करियर की स्टार्ट एक कलर्स के सीरियल से, उड़ान, जो एक दूसरे के चलते ये एक दो इनके सीरियल हैं जिनसे इन्होंने स्टार्टिंग करी है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ विशाल। विशाल जो कि विशाल इज़ नोन एज अक्षय कुमार, क्योंकि उन्होंने 1983 के समथिंग उन्होंने कोई सीरियल किया था, तो और उनकी इनके लुक्स वाइज जैसे आप देख सकते हो कुछ अक्षय कुमार से मैच करते हैं जी। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। इफ़ इट इज़ देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।